वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। निदा, ये बताएं, जो भी ड्रामा कर रही हैं, आर यू ओके विद द कंटेंट? बिकॉज हम ये बहुत पढ़ते हैं कि आजकल लोगों को बड़ा एक डिसएग्रीमेंट हो गया है कि जो कंटेंट बन रहा है हम उससे एग्री नहीं करते, मगर स्टिल दे हैव टू एक्ट इन इट। आप कौन से स्कूल ऑफ थॉट में हैं? एग्जैक्टली ऐसे ही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सोसाइटी में वही सेम कॉन्टेंट बन रहा है, वही या तो प्यार होगा या फिर घर में उसकी दूसरी शादी हो रही होगी या बाहर अफेयर्स हो रहे होंगे, मतलब हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। आप अगर डिफरेंट टीवी शोज वगैरह देखें, नेटफ्लिक्स वगैरह पे, उसमें आपको काफ़ी यूनिक कंटेंट देखने को मिलता है। फैंटेसीज में जा रही होती हैं चीज़ें, थ्रिलर्स में जा रहे होते हैं और हॉरर में जा रहे होते हैं, लेकिन हमारे जो ड्रामास हैं वो आई थिंक इंडिया को मीट करते जा रहे हैं। जो भी टॉक्सिक कॉन्टेंट होता है वो लोग पसंद भी कर रहे होते हैं। अच्छा, आपने देखा अभी रिसेंटली जो कुछ ड्रामास हिट हुए उसमें वो लड़का गुस्सा कर रहा है लड़की के ऊपर और फिर वो हिट भी हो रहा है और वो रो रही है और जुल्म भी हो रहा है और वो लोग एंजॉय भी करते हैं, देखते हैं शौक से। तो अब क्या करें, यही कंटेंट बन रहा, बना रहे हैं हम लोग। मगर मुझे बताएं कि क्या बाहर का कंटेंट टॉक्सिक होता है या नहीं होता? होता भी है, लेकिन उसमें आई ओपनिंग भी होता है, आपको पता चल रहा होता है उसमें कि क्या गलत क्या सही है। लेकिन हमारे यहाँ गलत चीज को ही सही करके दिखाया जा रहा होता है कि मतलब जो चल रहा है, हाँ इट्स गुड, मगर मुझे समझ नहीं आती कि बाहर के भी तो ड्रामों में और फिल्मों में अगर कोई होता है तो विलन रहता है, मतलब विलन तो विलन रहता है, लेकिन वो एक जो स्टोरी टेलिंग होती है वो बहुत खूबसूरती से लिखी गई होती है, उसमें ट्विस्ट काफी आ रहे होते हैं, चेंज हो रही होती है स्टोरी, और हर स्टोरी डिफरेंट होती है। सुबह 6 से रात 12 बजे तक मुल्तान हूँ तो मैं हल्के में होता हूँ, और यहाँ पे हूँ तो ऑफिस में होता हूँ। वो मुझे लोग यही कहते हैं कि आप इतना काम करते हैं, आप हकते क्यों नहीं है? आपने कहा नहीं मैं सिगरेट नहीं पीता। मैंने कहा जब आपका मिशन ऑफ लाइफ ये हो कि आपने उसको डिलीवर करना है जिसके सर का कोई साइन नहीं है, और उसके लिए वर्क करना है जो इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। सर देखें, हम किस लिए हैं? हम हैं टू सेव द राइट्स ऑफ द पीपल एंड वी आर ब्रेकिंग देयर राइट्स। मेरा जमीर मुतमईन है कि आई एम डिलीवरिंग इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी। निदा, आप कभी मुल्तान चक्कर लगा? आपने कोई मुल्तान के बारे में सुना हुआ है? कोई आपने वहाँ की थिंग्स टू डू, प्लेसेस टू विजिट, इस तरह की बात? नहीं, अभी जाना तो है। आपको बताया, आप सबको दावत देते हैं? सबको ना देले नहीं दूंगा, मैंने घर जाना। आपने हमें उस तरह जो दावत देनी थी वो खैर कराची से आई तो उनको तो स्पेशल दावत दे दें। देखे उन्होंने बिल्कुल नहीं, हमने तो फिर देखा था मुझसे बैक स्टेज, पूछा था कि आप मुल्तान? ये भी पूछा था थोड़े ना। अच्छा, तो इन्होंने पूछा था तो आपने क्या कहा? यही कहा, बताया था कि मैं नहीं आई। अच्छा, फिर उन्होंने क्या कहा? आपको कैसी ड्रेसिंग लगी? हर मरतबा आते कभी पैंट कोट पहनते कभी ये, तो आपको कैसी इनकी, आपको क्या लगता है क्या पहनना चाहिए? नहीं, अच्छी लग रही है। पहली दफा आपने किसी की तारीफ की है? आई एम द लकीएस्ट पर्सन इन दिस यूनिवर्स। आप हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन ये सर आपकी खुद अजेन से ये पहनते हैं या कोई अंदाजा क्या जाए? ड्रेस मास्टर रखा हुआ, देहाती लोग हैं, हमें क्या ड्रेस मास्टर रखा। वैसे मुझे पता है वोट वगैरह कास्ट करती हैं आप? जी, और पिछली बार भी किया था जी, और अब जब भी अगली बार इन लोगों ने आने दी तब करेंगी जी इंशाल्लाह करेंगी। यानी कि अच्छा ठीक है, यानी कि कराची में तो एक वोट फिर रहा है सर? पता नहीं, मैं पीटीआई को करूंगी। अच्छा, आप पीटीआई को देंगी? ओए होए मलिक साहब, ये क्या हो गया? मैं तो वहां से नहीं लड़ रहा हूं। आपने लड़े मगर वो जिस तरफ से भी आपके होंगे तो वो तो आपके ख्याल में 2 मिनट में मिले हैं और हमने कन्विंस कर लिया, उसके लिए टाइम लगता है। लेकिन मगर वो देखे उन्होंने, वो मतलब आपको पता है ना मलिक साहब पहले पीटीआई में थे जी, और अब मलिक साहब पीटीआई में नहीं है जी। आपको कैसे पता? मैं इनका शो देखा था।
तो वो आप ने क्यों छोड़ दिया पीटीआई? वो पूछ रही है मेरी तरफ ना देख। पीटीआई छोड़ने की वजह मैंने पहले बताई है कि हमने उन्होंने वादा किया कि हम यहाँ पे एजुकेशन रिफॉर्म्स लाएंगे, हम हेल्थ रिफॉर्म्स लाएंगे, हम इंसाफ देंगे। तो और फिर किस पार्टी के साथ है? मैं इस वक्त पीटीआई के साथ हूँ, बट अगले इलेक्शन में मैं सोच रहा हूँ मैं आजाद लड़ लूँ, मैं ये सोच रहा हूँ। अगर आपकी पीटीआई वालों ने कोई कैंसिल वैंसिल नहीं वो जो करते हैं कोई की वो मेंबरशिप? सर, जब तक आप उनके खिलाफ वोट नहीं कास्ट करोगे उस वक्त तक लॉ है कि आप नहीं कर। मैंने वोट खुद से नहीं कुछ करते, वो जो शो कॉज नोटिस वगैरह दे देते हैं। शो कॉज नोटिस मुझे दिया था। अच्छा, मैंने शो कॉज नोटिस के जवाब में 70 जले हुए बच्चों के फोटो लगाए और वो जो जमीन जिन लोगों की एक एक कनाल की उतरी थी उनके पेपर्स लगाए। मैंने कहा आप 70 बच्चों के कातिल हैं, शो कॉज मैं मुझे ना दें, मैं आपको शो कॉज दे रहा हूं इमरान खान साहब। उसके बाद फिर आगे से कोई जवाब नहीं। उसके बाद उन्होंने ये किया कि वो जो शो कॉज के नोटिस थे उन्होंने सबके इलेक्शन कमीशन भिजवाए, मेरा नहीं भिजवाया। अच्छा, तो अब आपको पता चल गया नेता कि क्या करेंगे अगली बार, पीटीआई से तो नहीं लड़ रहे। वैसे मरियम आपने कहा कि टेलीविजन के ऊपर तो जो काम हो रहा है यू आर नॉट रियली ओके विद, वेरी हैप्पी या बट इन फ्यूचर आई डोंट नो मे बी शायद आप कहीं और ब्रांच आउट करना चाह रही हैं टेलीविजन से आगे, मे बी फिल्म्स, थिएटर? इंशाल्लाह प्लान ये है। प्लान क्या, फिल्म का है थिएटर का है? कैसी फिल्में आपको पसंद है? मुझे फिल्म्स रोमांटिक पसंद है, थ्रिलर भी पसंद है, जिसमें थोड़ा सस्पेंस सस्पेंस मूवीज अच्छी लगती हैं। अच्छा, एंड आई एम प्लानिंग कि मैं नेटफ्लिक्स के लिए भी ट्राई करूं इंशाल्लाह इन फ्यूचर। अच्छा, नेटफ्लिक्स के लिए भी ट्राई करना चाहती हैं? जैसे आपको फिल्में पसंद है जी, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, हर बंदा फिल्म देखता है जिसके पास टाइम होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आपके फैंस हैं, जैसे मैं हूँ सारी जिंदगी के लिए। तो आपको भी कोई ऐसा कोई अच्छा लगा है कि जिसकी आप फैन हो? मेरा ना कह दीजिएगा, मुझे शर्म आती है। पसंद कोई खास नहीं है, मैं एक्टरों की बात नहीं कर रहा, मैं एक आइडियल होता ना दिल का आइडियल जो, उसकी बात कर रहा हूँ। कोई दिल के आइडियल के लिए भी कोई पसंद नहीं आया? तो कैसा होना चाहिए जो अब तक पसंद नहीं आ रहा? शरीफ होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, गरीबों का भला करता हो। मुझे पता आपका कंट्री में नहीं है ना वो, अभी मुल्क में नहीं है, बाहर जाना। अच्छा, शरीफ होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है, अमीर होना चाहिए। महंगाई हो गई है, वाकई में अमीर होना चाहिए। फ्रूट सैलेड कैसे बनेगा इफ्तार में? ये देखें। अच्छा, प्यारा कितना होना चाहिए वैसे? आई थिंक लुक्स का जो इम्पैक्ट होता है सिर्फ 5 मिनट्स तक होता है, उसके बाद आपकी पर्सनालिटी होती है। तो गुड लुक्स तो इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन साथ में अगर पर्सनालिटी ना हो तो फिर फायदा नहीं है गुड लुक्स। अच्छा अच्छा, तो इधर जितने भी लोग बैठे हैं सबसे प्यारा आपको कौन लग रहा है? कोई भी नहीं, पर्सनालिटी वाइज वासे सर। और खूबसूरती में? खूबसूरती में सर। हाय हाय हाय।